हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं सुनील प्रजापति, दी रेडिएंट स्टडी में आपका स्वागत है। कल की क्लास में, पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है एनसीईआरटी पे आधारित इंटरमीडिएट 12वीं का जो है हमने मैथ में मैट्रिक्स स्टार्ट किया हुआ था। जो हम लोगों ने जो है मैट्रिक्स क्या होती है, उसके यूज क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, और एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, तो उसी लेसन को हम कंटिन्यू करते हैं। इस क्लास में भी आगे के सवालों को हल करते हैं, और मुझे आशा है कि आपको सब सारी चीज़ें आ गई होंगी समझ में। एक एक स्टेप आ गया होगा, बड़ी सरलता से मैंने बताया था आपको, और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसी तरह हम आगे उसी एक्सरसाइज में, जो हमने कल पहले एक्सरसाइज में, हमने आबीव के पहले एक्सरसाइज में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसके आगे हम सॉल्व करते हैं एक एक करके, ठीक है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी आवयव में, सेकंड क्वेश्चन है आपका, यदि किसी आवयव में, दे रहा है क्वेश्चन, 24 अवयव हैं, 24 अवयव हैं, ठीक है दोस्तों, तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। संभव कोटियां क्या है, ठीक है। उसके आगे दे रहा है, यदि इसमें 13 अवयव हों, यदि इसमें 13 यानी 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी, हो तो कोटियां क्या होंगे, ये सवाल है, ठीक है। और इसको हमें हल करना है। देखिए सवाल बहुत आसान है, कह रहा है कि किसी आवयव में 24 अवयव है और इसकी कोटियां क्या है, यदि इसमें 13 अवयव है तो इसकी कोटियां क्या है। किसी मैट्रिक्स में अगर 24 एलिमेंट हैं तो उनकी कोटि क्या होगी। कल हमने बताया था आपको बड़ी सरलता से कि जैसे ए इजकल टू यक्स वाई ए बी, एग्जाम्पल के तौर पे, तो इसकी कोटि क्या होती है, पंक्ति गुणे स्तंभ। तो हमने क्या बताया था आपको, यम गुणे यन, ये क्या होती है, इसकी कोटि होती है, ठीक है। तो यम क्या है, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या इज इक्वल टू अव्यय की संख्या, ये हमारी होती है। तो यहाँ पे अवयवों की संख्या टोटल 24 दिया हुआ है और हमें यम गुणे यन का पता करना है, ये कैसे होगा, किस रूप में होगा, इसकी जानकारी करनी है। अच्छा, इसके साथ साथ हमने बताया था आपको कि इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे हमने बताया था ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री डॉट डॉट, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री डॉट डॉट डॉट, ए टू सॉरी ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री डॉट डॉट डॉट, इस टाइप के हमने बताया था। और हमने वन वन का जो मतलब बताया था, इन दोनों का मतलब, जैसे ये है, ये आपकी पंक्ति को दर्शाता है और ये आपका स्तंभ को दर्शाता है। हम इसको सवाल के अंदाज में हम इसको क्या लिखते हैं, ए आई जी। हम पंक्ति ये होता है आई और जे आपका स्तंभ होता है, क्या होता है, जे आपका स्तंभ होता है। लेकिन यहाँ पे यम भी हमने कहा पंक्ति होती है और यन भी स्तंभ होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक पंक्ति की बात कर रहा है, सिर्फ मतलब जो आपका एलिमेंट है, एलिमेंट को सिर्फ ये दर्शा रहा है कि पहले एलिमेंट का ये तत्व है स्तंभ है। यहाँ पे टोटल इसकी संख्या को दर्शा रहा है,
कि आपका ये पूरी क्या है, एक अस्त, एक पंख, दो पंख, तो यहाँ पे हम टोटल टू लिखेंगे। समझ में आ गई होगी बात जो हमारे कहने का मतलब है। यानी यहाँ पे नंबर ऑफ रो का दे रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ ओनली वन एलिमेंट की बात कर रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं आपको ये सब सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या आगे ये सब सारी चीज़ें हमारी समस्या आ सकती है, तो इसलिए पहले हमें जान लेना ज़रूरी है, ठीक है। चलते हैं आगे, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है मैट्रिक्स में हमारे दो होते हैं, एक होता है पंक्ति और दूसरा होता है स्तंभ, यही होता है ना, पंक्ति और स्तंभ। तो हम कैसे करते हैं, दे रहा है किसी आव्यूह में 24 अव्यय हैं, तो मान लीजिए नंबर ऑफ जो हमारा एलिमेंट है, सीधे मैट्रिक्स लिखूं, जो नंबर ऑफ मैट्रिक्स है वो हमारा कितना है 24, तो एक स्तंभ, सॉरी स्तंभ और पंक्ति और स्तंभ होगा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक गुणे 24 ये लिख सकते हैं, एक पंक्ति हो जाएगी, 24 क्या हो जाएगा, स्तंभ हो जाएगा, और हम क्या लिख सकते हैं, दो गुणे 12, 12 दिन 24, तीन गुणे 8 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, चार गुणे 3 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं बताइए, यहाँ पे हम दो गुणे 6 भी लिख सकते हैं, सॉरी 6 गुणे 4 भी लिख सकते हैं, या यहाँ सीधे लिख दो 4 गुणे 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये 4 गुणे हम 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है, उसके बाद 8 गुणे 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या लिख सकते हैं बताइए, 12 गुणे 1 भी लिख सकते हैं, सॉरी 12 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, हम दूसरे रूप में लिख दें, मतलब चेंज कर दें, हम इसको इंटरचेंज कर दें, पंक्तियों को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति, तो हम क्या कर सकते हैं, 12 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, 24 गुणे 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये हमारी क्या बनेगी, कोटि बनेगी, कोटियाँ क्या होंगी, ये होंगी। इसी तरह बात कर रहा है, यदि इसमें 13 अव्यय हों तो 13 अव्यय हों, तो भाई 13 जाहिर सी बात है विषम नंबर है, तो जाहिर सी बात है 13 गुणे 1, ठीक है, और 1 गुणे 13, यानी इस हिसाब से एक पंक्ति और 24 स्तंभ हो जाएंगे, ठीक है, पंक्ति एक रहेगी, यानी पंक्ति जो है हमारी ऐसे रहेगी एक, और जो स्तंभों की संख्या होगी वो पूरी 24 हो जाएगी। उसी तरह क्या है, दो पंक्ति, तो इसमें दो पंक्ति हो जाएगी और स्तंभों की संख्या पूरी ऐसे 12 हो जाएगी, तो ये है। उसी तरह 13 की बात कर रहा है, तो एक पंक्ति हो जाएगी और 13 स्तंभ हो जाएंगे, फिर से क्या होगा, 13 पंक्ति हो जाएगी और सिर्फ एक स्तंभ रहेगा, ठीक है, ये हमारी क्या होती है, कोटि होती है। समझ में आई बात, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, इसे मिटाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए तीसरा क्वेश्चन भी वैसे ही है, यदि किसी आव्यूह में 18 अव्यय हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं, यदि इसमें 5 अव्यय हो तो क्या होगा। ठीक ऐसे ही है जैसे दूसरा क्वेश्चन है आपका, वैसे ही तीसरा क्वेश्चन है। एक बार मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, यदि किसी आव्यूह में 18 अव्यय हों, अव्यय हैं, ठीक है, तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं, कोटियां
क्या हैं यदि इसमें पांच अव्यय हों, पांच अव्यय हो तो क्या होगा। ठीक है, देखिए जैसे हमने दूसरा क्वेश्चन लगाया आपका, सेम आपका वैसे ही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो इसमें क्या होगा आपका, हल करो। एक गुड़े 18, ठीक है, दुनवा 18, तीन छक्के 18, ठीक है, हो गया आपका, छत्री 18, नौ दुनी 18, 18 के नम 18, तो इस तरह की हमारी क्या होंगी, ये कोटियाँ बनेंगी। ठीक है, अब बात कर रहा हूँ वहीं पाँच की, तो क्या होगा, पाँच गुणे एक, एक गुणे पाँच, समझ में आई बात। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जैसे आपने दूसरा क्वेश्चन लगाया है सेम वैसे ही हमारा तीसरा क्वेश्चन भी है। चलिए आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, देखिए चौथा क्वेश्चन है, एक दो गुड़े दो आव्यूह, समझने की कोशिश करना, एक दो गुड़े दो आव्यूह, एक दो गुड़े दो आव्यूह क्या है, ए इज इक्वल टू ए आई जे, जो अभी मैं बात कर रहा था आपसे, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैंने समझाया है, देखिए इसकी ज़रूरत पड़ गई, क्या हो गई, इसकी ज़रूरत पड़ गई हमारी, तो ए आई जे की रचना कीजिए, रचना कीजिए, ठीक है, जिसके जिसके अव्यय निम्नलिखित हों, अव्यय निम्न लिखित प्रकार के पद्धत हैं, निम्नलिखित प्रकार के प्रदत्त हैं, मने लिखे हुए हैं, उत्पन्न हैं, क्या हैं, पहला दे रहा है ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई टू, सेकेंड है आपका ए आई जे, ए आई जे इज इक्वल टू आई बट्टे जे, तीसरा है आपका ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस टू जे, आई प्लस टू जे का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई टू, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है चौथे का। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, मुझे आशा होगा कि आपको बड़ी तरीके से बड़ी क्लियरली आ रहा होगा। ठीक है, किसी तरह की कोई डाउट नहीं होगी। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। चलो हल करो, हमने पहले को ले लिया, पहले को लेके हल करते हैं। हमने पहला क्या है, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई टू, होल डिवाइडेड बाई टू। अभी हमने आपको बताया है, अभी हमने क्या बताया था, इसको सॉल्व करने के लिए बात ये कह रहा है, जो हमारा आव्यूह है वो दो गुणे दो के फॉर्म में है, हमारा जो आव्यूह है, जो आव्यूह है वो हमारा दो गुणे दो के फॉर्म में है, यानी इसकी जो कोटि है
जैसे हमारे कहने का मतलब ये है कि हमने a इज इक्वल टू एक्स वाई ए बी लिख दिया, तो क्या है दो पंक्ति और दो स्तंभ कुछ इस रूप में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको इस रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा देखो, तो हमें कन्वर्ट करने के लिए कि क्या करना पड़ेगा, देखिए किस एलिमेंट से है, ए से है, तो ए इज इक्वल टू हम इसको कैसे लिख सकते हैं दो गुणे दो को, ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू, ये हमारा एलिमेंट बना टू इंटू टू का, ठीक है समझ में भाई आज बात आई कि नहीं है। इसके हिसाब से आई जे ए, अब हमारा क्या है ये जो चीज़ है ठीक है, हमको एक एक करके इसको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी ठीक है, क्योंकि ये क्या है हमारा पंक्ति को दर्शा रहा है और ये हमारा स्तंभ को दर्शा रहा है, तो एक बार ये क्या होगा इसकी जगह पे रहेगा और ये टोटल एक बार इसकी जगह पे एक बार इसकी, तो हमें इनकी क्या होगी इस पूरे मैट्रिक्स की हमें वैल्यू निकालनी है, इसकी बात कर रहा है। देखो कैसे करेंगे, तो ए आई की जगह पे वन और जे की जगह पे वन इज इक्वल टू, ये देखिए आई की वैल्यू क्या है वन है और जे की वैल्यू क्या है वन है का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, तो कितना हो जाएगा टू बाई टू इजक्वल टू वन, इसकी वैल्यू कितनी आई वन आ गई, सॉरी यहाँ टू 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 पावर फोर इसका वर्ग होगा फोर हो जाएगा और यहाँ पे टू हो जाएगा। इसी तरह हमारा क्या होगा दूसरे का होगा, यहाँ लिखता हूँ ए, यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ ए वन टू, तो क्या होगा यहाँ पे आई की जगह पे वन और जे की जगह पे टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो तीन हो जाएगा, तीन पे वर्ग इज इक्वल टू टू नाइन बाई टू, तो हमारी उसकी वैल्यू आ गई नाइन बाई टू। इसी तरह हमने तीसरे का ले लिया टू वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टू प्लस वन डिवाइडेड बाई टू का होल स्क्वायर नौ बटे दो। इसी तरह हमने टू टू का ले लिया तो कितना हो जाएगा टू प्लस टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू चार का स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू सोलह बटे दो इज इक्वल टू आठ। तो इस हिसाब से हमारा क्या हुआ जो कोट है हमारी, ये हमारी जो कोट आई थी टू गुड़े टू का जो हमने एक एक करके वैल्यू निकाला उसका रिजल्ट ये आ गया। अब हम क्या करेंगे इसमें हम इसकी वैल्यू रख देंगे, तो क्या है निकाली रखिए इसकी जगह कितना हो जाएगा दो बड़े कोष्टक के अंदर नाइन बाई टू इसकी मैट्रिक्स हो गई, उसके बाद यहाँ पे हो गया नाइन बाई टू और यहाँ पे एट हो गया, ये रिजल्ट आया दो गुणे दो। तो हमारे पहले का रिजल्ट क्या आ गया टू नाइन बाई टू नाइन बाई टू और एट, ठीक है। इसी तरह सेम आपका दूसरा भी होगा और तीसरा भी होगा, अगर आपको नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा फिर से उसको मैं हल करूँगा ठीक है, नहीं आने पे ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पांचवे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करते हैं ठीक है, बहुत ही आसान है। देखो अगर एक बार ध्यान से वीडियो को देख लोगे मुझे आशा है पूरा पूरा भरोसा है कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। पूरे मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे फिजिक्स हो मैट्रिक्स हो किसी भी लेसन की बात करूँ तो आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इस क्लास को बड़ी बारीकी से देखिए, पूरे एक एक करके मैंने बड़े क्लियर तरीके से बताया आपको ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसे मिटाता हूँ। चलो अब है पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। देखो पांचवा क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि एक
तीन गुणे चार आवयव की रचना कीजिए। पांचवा है एक तीन गुणे चार आवयव की रचना कीजिए, आवयव की रचना कीजिए, ठीक है, जिसके अव्यय निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होती है, निम्नलिखित प्रकार से, निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होती है। देखिए क्या होती है निम्नलिखित रूप से प्राप्त। पहला है ए आई जे, ए आई जे इज इक्वल टू वन बाई टू मॉड ऑफ माइनस थ्री आई प्लस जे मॉड क्लोज। दूसरा है आपका ए आई जे इज इक्वल टू टू आई जे, ठीक वैसे ही जैसे हमने यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे जो आव्यू है जो मैट्रिक्स है उसकी कोटि तीन गुणे चार के हिसाब से है, तीन गुणे चार के हिसाब से है, यानी यहाँ पे हमारा जो है ऐसे कुछ बनेगा ए इज इक्वल टू, कैसे बनेगा भाई, मैंने जो पंक्ति है हमारी कितनी है वो तीन है और जो स्तंभ है वो क्या है चार है। तो देखिए कुछ ऐसे बनेगा ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए वन फोर, क्यों, क्योंकि ये क्या है जे, जे क्या स्तंभ है, उसी तरह ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए टू फोर। फिर से हमारा क्या कर रहा है, पंक्ति हमारी तीन ही है इसलिए ए थ्री वन ए थ्री टू, यहाँ टू है ध्यान रखिएगा, और ए थ्री थ्री और ए थ्री फोर, ये हमारा कुछ ऐसे बना। और यहाँ पे क्या हो गया, ये मॉड थ्री मल्टीप्लाई फोर कोटि हो गई, इसकी कोटि हो गई, समझ में आई बात। अब ये कह रहा है इसको सॉल्व करने के लिए, चलो हम पहले को ले लेते हैं, पहले को लेके सॉल्व करते हैं। पहला क्या है ए आई जे इज इक्वल टू वन बाई टू मॉड ऑफ थ्री आई प्लस जे। देखो वैसे ही जैसे हमने पिछली सवाल को हल किया है ठीक वैसे ही ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। कैसे होगा, देखिए हमने पहले को ले लिया ए वन वन इज इक्वल टू वन बाई टू मॉड ऑफ थ्री आई, आई की जगह पे वन हो जाएगा प्लस जे की जगह पे वन, ये हो जाएगा बराबर वन बाई टू मॉड ऑफ थ्री प्लस वन, ये घट के कितना हो जाएगा माइनस टू, जब मॉड के बाहर आता है तो माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, तो वन बाई टू गुणे टू इज इक्वल टू वन। इसी तरह हमारा ए वन टू का होगा, तो ए वन टू का करेंगे तो कैसे होगा वन बाई टू मॉड ऑफ थ्री गुणे वन प्लस टू, तो ये हो जाएगा हमारा कितना घट के माइनस वन, बाहर आएगा वन बाई टू हो जाएगा। फिर से उसी तरह हमारा क्या होगा वन थ्री का होगा वन बाई टू वन थ्री, तो यहाँ माइनस थ्री और प्लस कितना हो जाएगा तीन, तो यहाँ माड़ा पूरा हमारा क्या हो जाएगा जीरो, ये टोटल हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। वन फोर, ये हमारा वन फोर हो जाएगा, तो वन फोर क्या होगा हमारा, वहाँ रखिए इसकी वैल्यू वन फोर वन बाई टू माड़ा माइनस तीन, ठीक है, अब प्लस चार घट के कितना हो गया वन बाई टू, तो ये पूरा सवाल आपका इसी तरह सॉल्व होगा, ठीक है, तो हम इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा पूरा एक पंक्ति क्या निकल गया, ठीक है, हमने इसका निकाल लिया इसका निकाल लिया इसका निकाल लिया इसका निकाल लिया इसका निकाल लिया,
ऐसे करके हम सब निकाल के और इनकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, ठीक उसी तरह हमारा ये क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व होगा। तो आप क्वेश्चन को लगाइएगा, नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बस आज के लिए धन्यवाद। ठीक है, अच्छा एक चीज़, वीडियो को देखो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, जिससे जो भी दूसरे लड़के हैं उनको भी लाभ मिल सके, तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। ये हमारा जो है आपका मैट्रिक्स का पार्ट टू था। ठीक है, तो देखो बीच में से मत देखना, आप जब तक क्लास शुरू से नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक एक लाइन आपको देखना पड़ेगा, उसके यूज देखने पड़ेंगे, कैसे निरूपित किया जाता है, उसका टॉपिक सब, तब जाके आपको प्रॉब्लम जितनी भी ये हैं एक्सरसाइज की वो सब आसान हो जाएंगी। ठीक है, बस आज के लिए धन्यवाद। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में।